जिस तरह से महाराष्ट्र की मिसल पाव फेमस है, उसी तरह से गुजरात की सेवसल उतनी ही फेमस है। समझ लो कि मिसल पाव का ये चचेरा भाई है। तो आज की रेसिपी में हम जानेंगे ऑथेंटिक गुजराती स्टाइल सेवसल कैसे बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले प्रेशर कुकर में डालें 2 कप रात भर भिगोए हुए सफेद वटाना, और इसी के साथ आप डाल देना 2 छोटी साइज के कटे हुए आलू। आलू को जरूर से डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। फिर इसमें जाएगा 4 कप पानी, और इसी के साथ आप डाल देना नमक, नमक स्वाद अनुसार, और इसे एक बार चला ले। यहाँ पे अगर आप चाहे तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। अब कुकर को ढक्कन से ढक दे और इसे कम से कम मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 सीटी लगाए। 6 सीटी लग जाने के बाद गैस की फ्लेम को कर दे बंद। जब कुकर में से प्रेशर की आवाज आनी बंद हो जाए तब इसे खोले, फिर एक बार मटर को चेक कर ले कि ये पूरी तरह से नरम हो गए हैं कि नहीं। अगर लगे कि थोड़े से कच्चे रह गए हैं तो 1 सीटी और लगा दे। अब इस मटर को पानी के साथ ही रहने देंगे और तैयार करेंगे बढ़िया सा रगड़ा। अब कढ़ाई में डाले 5 से 6 टेबलस्पून तेल। तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं, और तेल को मध्यम आंच पे गर्म करें। तेल हल्का गर्म हो जाए फिर इसमें आप डाल देना 1 टीस्पून जीरा, और इसी के साथ जाएगा जीरा का लवली पार्टनर राई। अब राई जैसे उछलने लगे नाचने लगे, मेरा मतलब है राई को थोड़ा चटकने देंगे। जैसे ही राई उछलने लगे फिर इसमें आप डाल देना 8 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई और 1 बड़ी साइज की हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब लहसुन को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। दोनों को अच्छे से भून लेने के बाद इसमें आप डाल देना 5 से 6 कड़ी पत्ता और 1 बड़ी साइज की बारीक कटी हुई प्याज। अब प्याज को ट्रांसलूशेंट यानी कि पारदर्शी हो जाने तक भूनेंगे। प्याज को भूनने में 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। प्याज को थोड़ा सा भून लेने के बाद इसमें आप डाल देना 300 ग्राम फ्रेश टमाटर की प्यूरी। अब रगड़ा को थोड़ा गाढ़ा बनाने के लिए आप ले थोड़े से उबले हुए मटर और 2 से 3 टुकड़े आलू के, और इसे इस तरह से मसल के डाले, और इसी के साथ आप डाले थोड़ा सा नमक। अब टमाटर को अच्छे से भूनना है, और तब तक भूनना है जब तक कि साइड से तेल हल्का हल्का छूटने ना लगे। टमाटर को थोड़ा सा भून लेने के बाद इसमें जाएंगे मसाले। डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चीनी, ये ऑप्शनल है, स्वाद को बैलेंस करने के लिए हम डाल रहे हैं। अब इन सभी मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर ले, फिर इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मसालों को अच्छे से भुने। और ये देखिए रगड़ा के लिए एकदम परफेक्ट मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें जाएंगे पकाए हुए मटर। ध्यान रहे पानी के साथ ही डालना है जिसमें हमने प्रेशर कुकर में पकाया था। अब यहाँ पे हमारे मटर और आलू दोनों पके हुए हैं और मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। अब इसे क्या करना है, एक बार मिक्स कर लेंगे, फिर कढ़ाई को ढक्कन से ढक देना है और 7 से 10 मिनट तक धीमी आंच पे हमें इसे पकाना है ताकि सभी मसालों की फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो लीजिए सुपर टेस्टी उसल बनकर तैयार है। फिर इसमें डाले बारीक कटा हुआ धनिया और स्वाद अनुसार नींबू का रस। फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर ले। यहाँ पे रगड़ा को आपको कितना पतला और गाढ़ा रखना है उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं सर्विंग प्रोसेस पे। अब सर्विंग प्लेट को सजाएंगे, डालेंगे बारीक यानी थीन सेव। यहाँ पे अगर आप चाहे तो मोटी सेव भी डाल सकते हैं, मुझे पर्सनली थीन सेव ही पसंद है। फिर स्वाद के अनुसार डालेंगे धनिया की चटनी। यहाँ पे अगर आप चाहे तो तीखी लाल वाली लहसुन की चटनी भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और आखिर में डालेंगे खजूर इमली की खट्टी मीठी चटनी, और इस गर्मा गर्म सेव उसल को पाव के साथ मजे ले। तो लीजिए सुपर टेस्टी स्वाद की गारंटी ऑथेंटिक सेवसल बनकर हमारी तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।